प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे प्रभात खबर, मैं हूँ आपके साथ रितु सुमन। धनबाद जज मर्डर केस मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर ली गई है। हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की तरफ से धनबाद के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। साथ ही साथ मामले में झारखंड सरकार को भी नोटिस सौंपा गया है। वहीं मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने एफआईआर में देरी होने के कारण भी नाराजगी जताई है। साथ ही साथ डीजीपी को इस मामले में त्वरित कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले में मॉनिटरिंग भी करेंगे। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर हमें लगता है कि जांच में किसी तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो केस को सीबीआई जांच के लिए भी दिया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद हर दिन की तरह बुधवार को भी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन जैसे ही वे रणधीर वर्मा चौक के पास पहुंचे, उसी वक्त ऑटो ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो वहीं पे सड़क पर गिर पड़े। वहां से गुजर रहे लोगों ने आनंद फानंद में उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हत्या की साजिश की बात सामने आ रही है। घटना के दौरान जिस ऑटो का इस्तेमाल किया गया है वो भी चोरी का बताया जा रहा है। इधर मामले में पुलिस ने गिरिडीह से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राज्य सरकार ने भी जांच एसआईटी गठित कर दी है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।